इतिहास की जड़ों से कट करके इतिहास कभी बना नहीं सकती है। इतिहास वो ही बना सकते हैं जो इतिहास की जड़ों से रसकस लेकर के फलते फूलते हैं। कुछ लोगों ने यही सोचा कि हिंदुस्तान का इतिहास 1947 से शुरू होता है और एक ही परिवार से शुरू होता है और उसी ने देश को इतिहास की जड़ों से काटने का पाप किया। मुझे खुशी है कि हरियाणा की इस धरती पर इतिहास को आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा जीवित करने का, आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराने का, प्रशिक्षित कराने का एक उत्तम कार्य आज यहां प्रारंभ होने जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हरियाणा देश की परंपरा से सशक्त करने में जुटा है, जिसके मूल में नारी शक्ति है। यहां की धरती ने अनेक ऐसी बेटियों को जन्म दिया है जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया और अब न्यू इंडिया के संकल्प को सशक्त कर रही है। यहां की ही बेटी कल्पना चावला ने दिखाया कि भारत की बेटियों के लिए आसमान की ऊंचाइयां भी कम पड़ सकती है। वहीं आज जब भारत खेलकूद के मैदान में दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भी हरियाणा की बेटियां अगुवाई कर रही है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप में से अनेक बहनें यहां पर कल्पना चावला प्लेनेटोरियम गई थी, आपने यहां का महिला थाना भी देखा। इसके अलावा वेस्ट से वेल्थ, कचरे से कंचन बनाने की नई तकनीक, खेती से जुड़ी नई तकनीक, ऐसे अनेक अभिनव प्रयोग जो हरियाणा में हो रहे हैं उनके बारे में भी आपने जानकारी ली है। जिस प्रकार का कार्यक्रम पहले दिल्ली में हुआ करता था, हम दिल्ली के बाहर कार्यक्रम करते हैं, हरियाणा की चीजों को यहां के लोग, बहने आएगी, देश की देखेगी, जो चीज अच्छी है वहां कर सकते हैं वो अपने यहां लागू करेगी। और ये प्रयास अपने आप में एक नई, एक प्रकार से ये प्रशिक्षण शिविर टाइप काम आज यहां हुआ है। साथियों, मेरा स्पष्ट मान रहा है कि अगर बेटियां सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा। यही कारण है कि बीते 4.5 वर्षों के दौरान जितनी भी बड़ी योजनाएं या कार्यक्रम बनाए गए हैं उनमें महिला सशक्तिकरण एक बड़ा दे रहा है। हमारी सरकार का प्रयास महिला जीवन के हर पड़ाव पर उनका साथ देने का रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बच्चियों की जनसंख्या में सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। राष्ट्रीय पोषण अभियान और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से प्रसूता माताओं के जीवन पर आने वाला खतरा कम हुआ है। बेटियों पर बलात्कार जैसे अत्याचार करने वालों को फांसी तक की सजा का प्रावधान भी पहली बार हमारी सरकार ने किया है।